कितना तो बड़ा देख रहे ना, तो आप पकड़ लिए फ्लैग से, तो बहुत घुरती से पकड़ लिए। नहीं पूर्ति करते तो थोड़ा मिलता। हाँ वही ना बोल रहे हैं, बाप रे देखना ज़्यादा आगे मत जाना। हाँ आगे मत जाओ, इधर आओ। बस बस वही रुकता तू उधर चल। एक घंटा से बैठे हैं कि अंदर ना घुसे। यही होता, नजर बना के रखिएगा ना, तब समय खड़ा थे बैठे। नहीं तो खोजना बहुत दिक्कत है मेरा कि गैर में घुस जाता। यही आप छोड़ देते तो साथ मिलता नहीं। ये बात जैसा आप बना रहे वीडियो हमको भेज दिए। बिल्कुल जोहार दोस्तों, नमस्कार। अभी का मैं रेस्क्यू कॉल आया है हीरापुर डीएस कॉलोनी से। एक बंदी ने हमें सूचना दिया कि घर पे छज्जा पे जो है सांप देखा जा रहा था, और अभी बारिश हो रही थी इस कारण हमें थोड़ा लेट हुआ, लेकिन इन्होंने नज़र बनाए रखा, अपनी नज़र को पकड़ में सांप को नहीं बनाए रखा, इस कारण हमें सफलता मिली। अब देखिए किस तरह से घूम रहा है दोस्तों। ये एक इंडियन रेड स्नेक है, थोड़ा सामने रेड स्नेक है ना, लोगों के पीछे दौड़ता है, इस कारण है लोगों के घर में घुस जाते हैं। खास करके इस बारिश के मौसम में सांप मिलना अनिवार्य है। दो महीना में अभी सांप कहाँ से ठंडा पड़ेगा, सांप निकलना बंद हो गया है, लेकिन अभी आप अक्टूबर तक बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहिए और अपने घर के आसपास कोई भी गंदगी चीज़ ना रखें, कोई भी मतलब पुराना सामान ना रखें उसको। जैसे आप देख सकते हैं कि ये तिरपाल है जिन्होंने वहाँ रख दिया था, और इधर तो पेड़ है, पेड़ होते हुए जो है उनके घर तक चल रहा था। अब यहाँ नीचे खिड़की है, वहाँ से अंदर ये जा सकता था, चूहा जैसे इसको नजर आता है, ये चला जाता है। फाइनली रेस्क्यू हो गया दोस्तों, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देंगा भाई साहब को, उन्होंने सूचना दे करके इस बेजवान को बचाने में मदद की। तो जय हिंद, बंदे मातरम। उनको व्हाट्सअप कर दिया।